अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैसिनेटिंग इंटीरियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। व्यूअर्स, मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉडर्न विलास मेन हॉल इंटीरियर आइडियाज़। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहेगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको बहुत यूनिक अमेजिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, जो कि मेन हॉल से रिलेटेड हैं, मॉडर्न विलास के बैंगलोर्स के मेन हॉल से रिलेटेड हैं। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इनके बारे में फर्दर डिटेल्स जानते हैं। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक मॉडर्न आइडियाज़ अवेलेबल हैं, जो कि मेन हॉल से रिलेटेड हैं किसी भी विला के, बैंगलोर्स के। इस तरीके के जो घर बने हुए होते हैं उनके मेन हॉल से रिलेटेड हैं इस तरीके के आइडियाज़। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा और गौर से वीडियो को देखिएगा, फुल फोकस के साथ आप वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो से ज़रूर आइडियाज़ को पिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपके भी घर इस तरीके के हैं, या आपके भी विलास हैं, बैंगलोर्स हैं, या आप बिल्ड करवाना चाह रहे हैं, या आप रेनोवेट करवाना चाह रहे हैं और आपको कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत है कि आप उसको किस तरीके से बनवाएं, किस तरीके से आप उनको डेकोरेट करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आपको बहुत सारे इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से अपने मेन हॉल्स को डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपना जो आपका जो मेन हॉल है विला का, आप उसकी कलर थीम बहुत ही ज़्यादा डिसेंट रखें। डिसेंट कलर्स अगर आप रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक रॉयल और मॉडर्न वाइब क्रिएट करते हैं। अगर आपके कलर्स डिसेंट होंगे, ब्राइट कलर्स मेन हॉल में मोस्टली अच्छे नहीं लगते, या बहुत टाइम कभी कभी अच्छे लग भी जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके डिसेंट कलर्स हों और जो आपका फर्नीचर हो वो थोड़ा एंटीक टाइप हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेविश किस्म का आपका फर्नीचर हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, डिज़ाइनिंग वाला फर्नीचर हो आपका। लेकिन डिसेंट होना चाहिए, कलर्स में डिसेंट होना चाहिए आपका फर्नीचर। और आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर मार्बल वर्क करवाना चाहते हैं या आप वहाँ पर ग्लास वर्क करवाना चाहते हैं, और आप वहाँ पे आप वुडन फ्लोर बनवाना चाहते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। और जो भी आप अपने रूम की थीम रखेंगे उसी से रिलेटेड आप फर्नीचर भी लीजिएगा। और लाइटिंग पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और आपने वॉल डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप वॉल्स पे फ्रेम्स लगा सकते हैं, मिरर्स लगा सकते हैं, मिरर से आप डेकोरेट कर सकते हैं, और आप सीलिंग पे इस तरीके के चैंडलर्स लगा सकते हैं जिससे आपकी लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा रॉयल लगते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो से आइडियाज़ दीजिए, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आपको इनफ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप अपने घर को, अपने मेन हॉल को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।